बेंगलुरु टीम के चाहने वालों का सच में संडे बन गया। आईपीएल के 45वें मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट के फासले से मात दे दी। इस मैच में आरसीबी के विल जैक्स और विराट कोहली सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आए। एक तरफा अंदाज में आरसीबी ने गुजरात को 24 गेंद शेष रहते 9 विकेट से हरा दिया। अगर मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 200 रनों का स्कोर तैयार किया। इस आईपीएल में पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइटंस का यह सबसे बड़ा स्कोर है। इस मैच में साई सुदर्शन और शाहरुख खान ने विस्फोटक प्रदर्शन किया और अर्धशतक लगाए। सलामी बल्लेबाज के लिए उतरे रिद्धिमान साथ सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें स्वप्निल सिंह ने अपने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर आउट किया। वहीं कप्तान शुभमन गिल 16 रन ही बना सके। इस मैच में वापसी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल ने उन्हें आउट किया। तीसरे विकेट के लिए साई सुदर्शन और शाहरुख खान के बीच 86 रनों की साझेदारी हुई, जिसे सिराज ने तोड़ा। तेज गेंदबाज ने शाहरुख को 15 ओवर की पहली गेंद पर फोल्ड किया। वह 30 गेंदों में 193 के स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाकर लौटे। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उन्होंने अपने T20 करियर का पहला अर्धशतक भी लगाया। आईपीएल का पहला अर्धशतक उन्होंने 24 गेंदों में लगाया। वहीं सुदर्शन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस मैच में अपने आईपीएल करियर का 6ठा अर्धशतक लगाया। उन्होंने इसके लिए 34 गेंदों का सहारा लिया। सुदर्शन ने मिलर के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रनों की नाबाद साझेदारी निभाई। सुदर्शन ने 49 गेंदों में 84 रनों की दमदार पारी खेली। इसी के साथ वह आईपीएल 2024 में 400 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 4 छक्के निकले। वहीं 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे डेविड मिलर ने भी 19 गेंदों का सामना किया और 26 रन बनाने में कामयाब हुए। आरसीबी की तरफ से स्वप्निल सिंह, मोहम्मद सिराज और ग्लेन मैक्सवेल ने एक एक विकेट लिया। और इसके बाद 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी के टॉप ऑर्डर ने विस्फोटक प्रदर्शन किया। सलामी बल्लेबाज के लिए उतरे फैब डुप्लेसी और विराट कोहली के बीच 40 रनों की साझेदारी हुई। गुजरात के लिए पहला और इकलौता विकेट साई किशोर ने लिया। कप्तान इस मैच में 24 रन बनाने में कामयाब हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए विल जैक्स ने गुजरात के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया और टीम को जीत दिलाई। आरसीबी के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में नजर आए। उन्होंने 32 गेंदों में इस सीजन का 4था अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 44 गेंदों में 70 रनों की नाबाद पारी खेली। गुजरात के खिलाफ किंग कोहली ने 159 के स्ट्राइक रेट से 6 चौके और 3 छक्के लगाए। इसी के साथ आईपीएल 2024 में विराट कोहली के 500 रन पूरे हो गए। वहीं आरसीबी की तरफ से इस मैच में विल जैक्स ने भी विस्फोटक प्रदर्शन किया। उन्होंने महज 41 गेंदों में शतक लगाया। यह उनके आईपीएल करियर का पहला शतक था। इस दौरान उन्होंने 143 के स्ट्राइक रेट से 5 चौके और 10 छक्के लगाए। उनकी इसी पारी की बदौलत आरसीबी ने 16 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 206 रन बनाए और 9 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। और विल जैक्स की इस तूफानी पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।